अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ये स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो कैंडिडेट्स, आप 22 लाहौर इंटर रिज़ल्ट ऑनलाइन किस तरह से चेक कर सकते हैं? इसका रिज़ल्ट चेक करने का बहुत ही आसान मेथड है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, वीडियो मुकम्मल देख लें। वीडियो देखने के बाद आपको आसानी हो जाएगी इसका रिज़ल्ट चेक करने में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, realstudy.pk, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर हम आपको रिज़ल्ट, एडमिशन, मेरिट लिस्ट, स्कॉलरशिप और पास पेपर और उसके बाद जॉब्स के हमारे भी अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर हम ये सारी अपडेट्स हासिल कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप इस पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है पेज का। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं, हमने इस आर्टिकल में आपको 22 लाहौर HSC पार्ट 2 पार्ट 1 के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, और उसके बाद इसके सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के रिलेटेड और स्पेशल एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो इसका हुआ था उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी वो भी आपको यहाँ पर मैंशन की गई हैं। आप यहाँ पे आने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन और इसके रिजल्ट के रिलेटेड भी डिटेल्स से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे सामने एक बटन शो होता है चेक रिज़ल्ट का। तो जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है 22 लाहौर का। तो जिसमें जाने के बाद आपने क्या करना है, तो आपके सामने एक नोट ने उसको कट कर देना है। तो जैसे मेरे पास इसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, तो हम इसे कट करते हैं। उसके बाद आ जाएंगे 22 लाहौर की वेबसाइट पे। इस पे आने के बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ से आपको एक ऑनलाइन रिजल्ट का बटन मिल जाता है। तो हम इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इसका पेज ओपन हो जाएगा, प्रीवियस रिज़ल्ट। अगर आप मैट्रिक का चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे इंटर रिज़ल्ट पे, तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, टाइप योर रोल नंबर। आपने अपना रोल नंबर टाइप करना है, और उसके बाद आप जो भी इसका पार्ट वन का रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं, एनुअल, पार्ट टू का या सप्लीमेंट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से सप्लीमेंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इसका ईयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है 2021, उसके बाद आपने क्या करना है, व्यू रिज़ल्ट का बटन प्रेस कर देना है। तो आपके सामने आपके रिज़ल्ट का स्टेटस शो हो जाता है, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्यों ना, मैं यहाँ पे कोई वैलिड रोल नंबर नहीं लिखा, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। तो अगर आप यहाँ पे अपना वैलिड रोल नंबर लिखते हैं और ईयर की सिलेक्शन और उसके बाद एग्ज़ाम सेलेक्ट सही करते हैं, तो उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है इसका रिज़ल्ट चेक करने में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो। अल्लाह हाफिज़।